प्रयास उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है। और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया, नहीं उन्होंने कहा तुम बहादुर, एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मानना, मेरे मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आपकी आंखें डबडबा रही है। नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। हमने कहा आपको हर कदम पर कोऑपरेट करेंगे, हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर जिस कोऑपरेट नहीं करेगा, संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ घबराना नहीं। ए भाई नो ब्लेड, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर, आपको मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड कि यू हैव टू अरेस्ट देटन भी जाओ। आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स है, घबराना नहीं। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जी, हाँ बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिए, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको उम्मीद है? सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। ठीक है, वी शुड वेट फॉर द टाइम। पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज के सैकड़ों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथा कथित शराब घोटाले में उन्हें एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन एक साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं, लेकिन 15 महीने के बाद भी एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई,
उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी, लेकिन ये पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता को जेल भेज दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। आपने एक मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो गए हैं उनकी जगह लड़ने के लिए। आप एक संजय सिंह को जेल भेजेंगे, संविधान को बचाने के लिए 1000 संजय सिंह खड़े होंगे जो इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह का अंत इसी तरह हुआ है कि जब उन्होंने अपने विरोधियों की, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, वहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई है। और आज जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार के अंत की शुरुआत है। मानी इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए हमारी कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे, बेल नहीं मिल रही है। और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए, इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी, या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली